ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत चयनित जनपद के 86 गांव में विशेष संघर्ष मिशन इंद्रधनुष अभियान का तृतीय चरण 18 जून से 22 जून तक चलाया जाएगा, जिसको लेकर विकास भवन सभागार में विशेष संघर्ष इंद्रधनुष मिशन अभियान के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने की। बैठक में CDO ने कहा कि माइक्रो प्लान के अनुसार अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें किसी भी स्तर पर उदासीनता परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि कोई भी पात्र टीकाकरण से वंचित न रहने पाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने बताया कि विशेष संघन इंद्रधनुष मिशन अभियान के प्रथम चरण पर 1437 बच्चे तथा 408 गर्भवती महिलाओं एवं द्वितीय चरण में 958 बच्चे तथा 3016 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया था। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि माइक्रो प्लान बनाकर उसकी सूची उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि अनुपस्थित आशाओं की सूची के साथ जिन आशाओं ने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है उसका वर्कशॉप उपलब्ध कराएं और सरकारी कार्य में यदि किसी आशा द्वारा व्यवधान डाला जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। उसके घर में अगर 6 साल से छोटे बच्चे को इवेल्युएट करना टीवी है कि नहीं है, अगर टीवी है तो टीवी की दवा, नहीं है तो टीवी को फेसिंग से अगर उनको फिर सेंसिटाइज करना है, अगर सच टाइप ऑफ सिम्टम्स एडियर्स इन यू, यू शुड कांटेक्ट टू द सिस्टम एंड फैसिलिटी प्रोजेक्ट इन द जिस भी प्रैक्टिशनर से जिस भी एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लें कि घर में किसी को और इस तरह की परेशानी है कि नहीं है, सब मिल रहा है। प्लीज सपोर्ट एंड स्टार्ट, आप कितने एमओसी हैं, आपको डिस्कशन हो रहा है किस टाइम ऑफ आवर, आज से WHO की जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे साथी कलीग WHO MPSP मेंस है, हर मीटिंग में आ जाते हैं, उनके कारण है हम सब क्यों 6 साल तो पूरे प्रदेश में है जो कि हर जिले की मीटिंग और फैसिलिटेट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब इनके समिट के बाद जब हम सब तक पहुंच जाएंगे अगर गोरखपुर सर इस साल और अगले साल टीवी के इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है नोटिफिकेशन में, इसका मतलब ये नहीं कि टीवी की बीमारी बढ़ रही है, हम सब तक पहुंच रहे हैं सर, ये इंपॉर्टेंट मैसेज हम सभी आपको इंफेक्शन से डिजीज हो जाएगा सर, दैट इज अ वेरी टेक्निकल। देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन टीवी एपिडेमिक सर, आज की अर्बन एरिया आपके यहाँ जो है स्लम अर्बन, इनमें टीवी के प्रेजेंस ज्यादा है या कुछ ऐसे वर्कर है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इस तरह की चीजें सोसाइटी मिल रही है, उन सब में टीवी के प्रेवलेंस ज्यादा, हमें जो एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं इसी प्रकार से सर उनकी स्ट्रेटजी बनाई गई है, वल्नरेबल टू पॉपुलेशन है उसके लिए गाइडलाइन ऑलरेडी दिया गया है, नोटिफिकेशन आया है कि प्राइवेट टीवी जो यहाँ पे PPH है काफी सहयोग कर रहे हैं सर, लेकिन आपके लेवल पे प्रेस रिलीज प्रेस नोटिफिकेशन प्लस उनको सेंसिटाइजेशन अगर हम उसको एड्रेस कर देते हैं हो सकता है हम आने वाले समय में गोरखपुर